हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट PT 365। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज़ ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है, ये मैंने मंथली मैगजीन जो आई थी आपकी नवंबर या अक्टूबर के, उसमें मैंने एनवायरनमेंट सेक्शन में पढ़ाया है। तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने GDP के साथ बोला है कि वो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट करेंगे। अब मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है वो 4 क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज से मिल के बनाया गया है, एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल। इन सब का मॉनिटरी वैल्यू असाइन की जाएगी और इनको फिर मेजर किया जाएगा। जो भी क्वालिटी और क्वान्टिटी होगी इन रिसोर्सेज की, वो हमारे ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में डिटरमाइन की जाएगी उत्तराखंड के। तो ओके, तो वो कैलकुलेट GDP करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता है टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको जो GDP बोलते हैं। और ऐसे ही ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट भी लाया गया है। अब ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जो है, पहले जैसे GDP है, तो GDP हम एयरपोर्ट हो गया, माइनिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी GDP में आती है। पर जो हमारा एग्रीकल्चर हो गया GDP में आता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। बट ग्रॉस एनवायरनमेंट जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा वाटर रिटेंशन, फ्लड मैनेजमेंट, सॉइल रिटेंशन, सैंड स्ट्रॉम प्रिवेंशन, पॉलिनेशन, ये सब भी कलेक्ट करके इन सब के साथ एक वो GDP के साथ GEP भी निकाला जाएगा। अब ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो जैसे GDP होता है वैसे ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट टोटल वैल्यू होती है हमारे फाइनल इकोसिस्टम सर्विसेज की, जो हम ह्यूमंस को सप्लाई करते हैं ह्यूमंस के वेलबींग के लिए एनुअली। और वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू और मॉनेटरी, बायोफिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू में मेजर की जाएगी। अब ये इंडिकेट क्या करेगा, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट हमारा वो इंडिकेट करेगा एज GEP, जो प्राइम इंडिकेटर है सच एज फॉरेस्ट कवर, सॉइल इरोजन, एयर क्वालिटी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर वाटर, तो ये सब मेजर करेगा। अब लाइक ग्रीन GDP अगर बात करें, तो ग्रीन GDP तब होता है जब हम डैमेज जो होता है एनवायरनमेंट को उसको डिटेक्ट करके निकालते हैं, तो वो ग्रीन GDP होता है। पर GEP क्या है, हम जो इम्प्रूवमेंट करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में, वो हम मेजर करेंगे, तो वो हमारा ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में आएगा। फर्दर ये हमको ये भी बताएगा कि कितना स्टेट ने अपने वर्क किया है इकोसिस्टम लॉस जो है उसको रिड्यूस किया है, उसकी तरफ कितना उन्होंने वर्क किया है, तो वो भी हमको बताएगा। तो ये हो गया ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, और उत्तराखंड जो है पहला स्टेट है उसने किया है। अब ओवरऑल स्टैंडर्ड और इनिशिएटिव्स की बात करें, तो सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स, ये गाइडलाइंस यूनाइटेड नेशन ने डेवलप की है कि वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारा नेचुरल कैपिटल है और एनवायरमेंटल क्वालिटी है नेशनल अकाउंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करके। फिर हैप्पी प्लानेट इंडेक्स की बात करें, तो ये ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ने क्रिएट किया है, जो हमारे नेशनल वेलफेयर को मेजर करेगी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। भूटान्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है, ये एक एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है, वन ऑफ द 4 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। अदर्स की बात करें, तो चाइना ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसमें उन्होंने बहुत टाइप के एनवायरमेंटल डैमेजेस को एस्टिमेट किया है, उसको मेजर किया है, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं ऑफसेट कर रही है। स्वीडन सिंस 2003 से अगर बात करें, उन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स लेकर आए हैं लाइक एयर एमिशन, वेस्ट एटसेट्रा, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का वहाँ पे। ओके, तो ये हो गए अदर ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सालों से न्यूज़ में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो मैकेनिज्म है उसको रीडिज़ाइन किया है कि वो हमारी ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है मैकेनिज्म, वो इंडिया में 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है क्या, एक ये रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट है जो कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे ऑनर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के, वो लीगली क्लेम होते हैं कि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी परचेस कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑनर हूँ, अगर मैंने रिन्यूएबल एनर्जी परचेस कर ली है, तो मुझे जो है REC सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि लीगल क्लेम होगा। ओके, तो एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इक्वलेंट होता है 1 MWH। इन अदर वर्ड्स बताएं तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 1 MWh से एसोसिएटेड है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो मतलब अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 1 MWh एनर्जी जनरेट की है,
तो उनको एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब टू कैटेगरीज़ के रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होते हैं, पहला है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और दूसरा है नॉन सोलर REC। सोलर REC जो है इशू किया जाता है उन एलिजिबल एंटिटीज़ को जो हमारी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, ओके। और नॉन सोलर ऑब्वियसली जो हमारी उनको एलिजिबल एंटिटीज़ को उनको इशू किया जाता है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अदर देन सोलर, ठीक है। तो सोलर में सोलर से यूज़ करके एज अ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती हो, और रिन्यूएबल एनर्जी नॉन सोलर वो है जो सोलर बिना यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करती हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है वो पावर एक्सचेंज जो है हमारा उसमें ट्रेड किया जाता है विद इन द फॉरबियरेंस प्राइस एंड फ्लोर प्राइस, मतलब फॉरबियरेंस प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस होता है जो कि हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइन करती है टाइम टू टाइम। अब नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज़ जो है उसको रजिस्टर करें और इशू करें हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स जो हो गए, कैप्टिव पावर प्लांट्स हो गए, वो एलिजिबल हैं कि वो REC परचेस कर सकते हैं, ओके। तो एलिजिबल भी आप याद रखिए कि ये नहीं कि सिर्फ कंपनीज परचेस कर सकती हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स ये भी परचेस कर सकते हैं। अब करंट स्टेटस अगर REC के बताएं तो ओनली 4% ऑफ द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है रजिस्टर्ड है अभी दिसंबर 2021 तक। विंड और सोलर पावर जो है, विंड जो है 58% अकाउंट करता है और सोलर पावर 21% शेयर अकाउंट करते हैं। स्टेट्स जहाँ पे अट्रैक्टिव रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, जो कि 73% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी अकाउंट करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द चेंजेस रीइंट्रोड्यूस्ड इन रिवैम्प्ड REC। तो वैलिडिटी जो है REC की वो परपेचुअल कर दी है टिल इट्स सोल्ड, जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाता तब तक REC की वैलिडिटी रहेगी। पहले क्या था कि सिर्फ 3 साल ही थी। उन्होंने फ्लोर और फॉरवेयरेंस प्राइस जो है REC के लिए उसको रिमूव कर दिया है जो कि मैक्सिमम प्राइस होता है। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है कि हमारा जो होल्डिंग है REC में वो ना हो। REC जो है इशू किया जाएगा एलिजिबल RE जनरेटर जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स हैं उनको भी फॉर अ पीरियड ऑफ द पावर परचेस एग्रीमेंट, जो पावर परचेस एग्रीमेंट जो होता है एक कंज्यूमर और जो पावर बेचता है उन दोनों के बीच में होता है। अब टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर जो है फॉर प्रमोशन टेक्नोलॉजी मल्टीप्लाई की जाएगी न्यू और हाई प्राइस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। REC जो है इशू किया जाएगा ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को बियॉन्ड देयर RPO टारगेट, अगर RPO टारगेट आपने अचीव कर लिया तो उसके बाद भी आपको इशू किया जाएगा। नो REC टू बी इशूड टू द बेनिफिशियरी ऑफ सब्सिडीज, कंसेशन और वेवर ऑफ एनी अदर चार्जेस, मतलब कोई भी REC इशू नहीं किया जाएगा अगर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है, कंसेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ट्रेडर्स और बायलेटरल ट्रांजेक्शन जो है REC मैकेनिज्म में उसको अलाउ कर दिया है। तो दीज आर द चेंजेस जो हमारे अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर आते हैं ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल है क्या, ये ऑपरेट करता है इंटीग्रेट करके जो कन्वेंशनल डे अहेड मार्केट होते हैं उनके साथ मिलके पावर सेक्टर में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो बाय और सेल कर सकती हैं हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इन ओपन एक्सेस, थ्रू ओपन एक्सेस, मतलब किसी भी कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, मतलब ओपन एक्सेस में आप सेल कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। अब डे अहेड मार्केट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है जो कि डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है ऑन द फॉलोइंग डे। फॉर एग्जांपल स्टॉक में भी ऐसा ही होता है कि एक दिन हमने इशू किया कि हमारा ये शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट का आज वो बिकेगा। तो सेम डे अहेड मार्केट भी है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है फॉर डिलीवरी ऑन द फॉलोइंग डे। पावर एक्सचेंज जो है वो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करता है कि वो सबमिट करें बिड्स टुगेदर फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सेपरेट बिडिंग विंडोज। अब सिग्निफिकेंस अगर बताएं, ये कहीं ना कहीं हमारा ग्रेजुअल शिफ्ट करेगा, जो हमारा पावर परचेस एग्रीमेंट होता था जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता था, तो इसको चेंज करके हमारा मार्केट बेस्ड मॉडल्स लाया जाएगा। कॉम्पिटिटिव प्राइस सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कॉस्ट ऑफ पावर है उसको रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रपोज की जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। और पैन इंडिया ग्रीन मार्केट क्रिएट किया जाएगा बाय अनलॉकिंग द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और इंस्टेंट पेमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स। अदर इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है उन्होंने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म
लॉन्च किया है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो हैं पैन इंडिया वो अपना डिमांड रखेंगे और रियल टाइम ऑपरेशन होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो दोनों को रेगुलेट करती है, याद रखिएगा IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एनर्जी एक्सचेंज दोनों को रेगुलेट करती है हमारी कौन सी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब IEX जो है उन्होंने क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड स्टार्ट किया था कि हमारा जो साउथ एशियन रीजनल पावर मार्केट है उसको बिल्डअप कर सकें। तो ये हो गया ग्रीन डे अहेड मार्केट। नाउ लेट्स कम टू एनर्जी एफिशिएंसी। तो ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव किसका है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव जो है अभी उनमें प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने बोला है कि वो अचीविंग अ ग्लोबल गोल टू हाफ द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ न्यू लाइट ड्यूटी व्हीकल बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। तो उन्होंने बोला है कि हाफ कर देंगे जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है हमारे व्हीकल्स का बाय 2030। अब ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव है क्या, ये फाउंड हुआ था 2009 में, जिसका पर्पस यही है कि हमारा जो हमारी जो लाइट ड्यूटी व्हीकल्स हैं उनको वो जो है कम फ्यूल यूज़ करें और एनर्जी एफिशिएंट बन पाए थ्रू गवर्नमेंट एक्शन और उसको प्रमोट करके। ये पार्टनरशिप है हमारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी UNEP और ITF के बीच, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो OECD का है, फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, उनका मिलके बनाया गया है ये। और इसका टारगेट है कि जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है लाइट ड्यूटी व्हीकल्स की उसको इम्प्रूव करके बाय 2030 तक इम्प्रूव करना है फॉर न्यू व्हीकल्स और इंक्लूड करना है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स भी। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1973 और 1974 में जब ऑयल क्राइसिस आए थे जिसके कारण ये हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को क्रिएट किया गया नवंबर 1974 में, जो कि हम इसका मैंडेट यही है कि एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एनर्जी पॉलिसी में कोऑपरेट करना। अब ऑब्जेक्टिव बताएं कि ये सारे फ्यूल सारी टेक्नोलॉजी अप्रोच को एक साथ लेकर बोलता है, रिकमेंड करता है कि आप पॉलिसीज बनाइए जिससे हमारी अफोर्डेबिलिटी एसेसिबिलिटी और रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ पाए। हेडक्वार्टर अगर बताएं तो पेरिस फ्रांस में है, 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं, 4 एक्सेशन कंट्रीज़ हैं। 2017 में इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर एज अ ज्वाइन किया था और इंडिया जो है रिसेंटली इनवाइट हुए हैं कि ये फुल मेंबर भी बन सकते हैं। अब IEA जो है वो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और ऑयल मार्केट रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर आते हैं एनर्जी अकाउंटिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने मैंडेट किया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं डिस्कम्स की वो जो है एनर्जी अकाउंटिंग करें, मतलब जितनी भी एनर्जी वो सप्लाई कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो उसको अकाउंट में रखें। अब ब्यूरो ऑफ अभी ये रेगुलेशन जो है ये इशू किसने किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किया है अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। की रेगुलेशन की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है क्वार्टरली जो एनर्जी है उसको अकाउंटिंग करेंगे बाय डिस्कम्स थ्रू अ सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर के थ्रू विद इन 60 डेज में आपको करना है। एनुअल एनर्जी ऑडिट कौन करेगा, इंडिपेंडेंट एक्रीडिएटेड एनर्जी ऑडिटर करेंगे और बोथ एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश की जाएंगी विद अ पब्लिक डोमेन। ठीक है, अब इससे पहले हम वो पढ़ने से पहले हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या, तो ये एक स्टेटूटरी बॉडी है अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ये इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम्स को जो एनर्जी से रिलेटेड है, उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब एनर्जी अकाउंटिंग होता क्या है, एनर्जी अकाउंटिंग यही मतलब होता है कि जितनी भी एनर्जी इनफ्लो हो रही है किसी भी वोल्टेज लेवल पे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उन सबको अकाउंट करना, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, अब जनरेशन कितना कर रहे हो, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, कितना कंजम्पशन हो रहा है, बाई एंड कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एनर्जी अकाउंटिंग में आती हैं। अब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में कि कितने डिफरेंट कैटेगरीज के जो ग्रुप्स हैं वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस सबको इंक्लूड करके, और ऑफिसर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि आप लॉसेस और जो भी थेफ्ट हो रहे हैं उनका फिक्सिंग करिए। एनेबल द डिस्कम्स टू प्लान फॉर सुइटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एज वेल एज डिमांड साइड मैनेजमेंट एफर्ट्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइज रूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी। तो न्यू रूल्स अभी नोटिफाइड हुए हैं कि इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है उसको सस्टेन करेंगे इस सेक्टर्स की और रेज करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, इंश्योर करेंगे टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट।
की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो कंपनसेशन जो है, जो प्रोक्योरर है, जो एनर्जी प्रोक्योर कर रहे हैं, उनको पे किया जाएगा इन द इवेंट ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ सप्लाई फ्रॉम अ मस्ट रन पावर प्लांट. मस्ट रन स्टेटस जो है उसका मतलब यही होता है कि जो भी कंसर्न पावर प्लांट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है ग्रिड को अंडर ऑल कंडीशन. तो याद रखिए, मस्ट रन स्टेटस उनको दिया जाता है, उन कंसर्न पावर प्लांट को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ग्रिड को अंडर हर कंडीशन में. ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स जो है उनको अलाउ किया है कि वो पावर को सेल करें पावर एक्सचेंज में और रिकवर करें कॉस्ट सुइटेबली. तो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूल्स. ओके, तो एनर्जी अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स कम टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो मिथेनॉल इकोनॉमी की बात करें तो मिथेनॉल आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. तो रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है, भेल R&D सेंटर में इन हैदराबाद में. अब मिथेनॉल एनर्जी है क्या? तो मिथेनॉल जो है एफिशिएंटली बर्न हो जाता है सारे इंटरनल कंबस्टन इंजन्स में, और उसमें से कोई भी पार्टिकुलेट मैटर, कोई भी मतलब निल सल्फर डाइऑक्साइड और NOx एमिशंस होता है, कोई भी सूट भी नहीं निकलता. तो ब्लेंडिंग हमको 15% मिथेनॉल पेट्रोल में करना है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉल्यूशन है 33% से रिड्यूस कर देगा. और डीजल जो अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं बाई मिथेनॉल तो वो हमारा पॉल्यूशन मोर देन 80% से ज़्यादा रिप्लेस कर देगा. ऑल दो ये स्लाइटली लोअर होता है एनर्जी कंटेंट में पेट्रोल और डीजल से, बट मिथेनॉल जो है वो दोनों को रिप्लेस कर सकता है हर सेक्टर्स में. मिथेनॉल और जो भी हमारे DME जो है आर सब्सटेंशली चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल. मिथेनॉल जो है बहुत डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स हैं जिसके कारण उसको एक एक्सेलेंट स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल बनता है जिसका हाई ऑक्टेन नंबर रहता है और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी रहती है. तो ऑक्टेन नंबर मैंने जब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिथेनॉल फ्यूल. अब हम कुछ मिथेनॉल के बारे में अगर बात करें तो मिथेनॉल जो है इसका डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है और पॉली जनरेशन है. वेट अ सेकेंड, ठीक है. तो ऑक्टेन, हाँ तो ऑक्टेन नंबर तो आपको पता होगा, ऑक्टेन नंबर मैंने पढ़ाया है, सॉरी मैं थोड़ा सा. तो फिर ये ऑक्टेन नंबर वो है जो एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़ को हमारी वो करता है. हमने बढ़ाया था ना नॉकिंग, नॉकिंग मतलब जब कोई भी इंजन, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इंजन से बहुत गंदी आवाज़ आती है तो उसको नॉकिंग बोलते हैं अगर कंबस्चन का फ्यूल का जो कंबस्चन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है. तो ये एक फिगर है जो इंडिकेट क्या करता है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ हमारे फ्यूल की, उसको इंडिकेट करता है. ओके, तो ऑक्टेन नंबर ये हो गया. अब मीथेन के बारे में बताएं तो मिथेनॉल जो है ये इसका डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है पॉली जनरेशन में, क्योंकि मीथेन जो है वो मेड किया बनाया जाता है बहुत सारे रिसोर्सेज से मिलके जो कि कन्वर्ट किया जाता है सिंथेटिक गैस में. सिंथेटिक गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2. ये क्लियर लिक्विड केमिकल होता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है और रीडिली भी बायोडिग्रेडेबल होता है. मिथेनॉल को ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल कार्बिनॉल, ये लो कार्बन होता है हाइड्रोजन और कैरियर फ्यूल जो कि प्रोड्यूस किया जाता है हाई ऐश कोल से, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से और CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड नेचुरल गैस. मिथेनॉल जो है ये यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस अदर केमिकल डेरिवेटिव्स जो इंटर्न प्रोड्यूस करते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बिल्डिंग मटेरियल्स, फोम्स, रेजिन्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, ये सब चीज़ें. फिर मिथेनॉल जो है कैन बी प्रोसेस टू मेक डाई मिथाइल ईथर, अ लिक्विड फ्यूल जो कि क्लोजली रिजेंबल होता है एज अ डीजल. अब मिथेनॉल फ्रॉम कोल की बात करें तो मिथेनॉल फ्रॉम कोल प्रोसेस जो है इन्वॉल्व करता है कोल गैसिफिकेशन फॉलोड बाय कैटेलिटिक कन्वर्जन टू प्रोड्यूस मिथेनॉल. अब कैटेलिटिक कन्वर्जन जो है सिन गैस का फिर से मिथेनॉल में किया जाता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. कोल गैसिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम कोल को कन्वर्ट करते हैं सिन गैस में, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, जो कि मिक्सचर होता है. अब हम आते हैं व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन इन इंडिया. तो नीति आयोग रोड मैप फॉर मिथेनॉल इकोनॉमी. फिर सब्सटीट्यूट 10% ऑफ क्रूड जो इम्पोर्ट है उसको सब्सटीट्यूट करना है बाय 2030 तक मिथेनॉल से. 20 MT जो है मिथेनॉल एनुअली प्रोड्यूस करना है एट अ रेट ऑफ ₹19 पर लीटर बाय 2025 बाय यूजिंग इंडिया हाई ऐश कोल स्टैंडर्ड गैस एंड बायोमास. फिर मिथेनॉल इकोनॉमी रिसर्च प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं मिथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए. बहुत सारे सोर्सेज से हम मिथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नोटिफाई किया है 20% DME ब्लेंडिंग विथ LPG एंड अ नोटिफिकेशन फॉर M15, M85, M100 ब्लेंड्स जो कि इशू करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे.
टेस्ट स्टैंडर्ड एंड प्लान जो है फॉर M15 ब्लेंड आर बींग इवॉल्व इन कंसल्टेशन विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड. फिर रेलवे जो है वो भी वर्क कर रहे हैं कि वो भी मिथेनॉल को ब्लेंड करेंगे इन अ रेंज 5-20% थ्रू अ डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इन लोकोमोटिव्स. 2018 में आसाम पेट्रोकेमिकल्स ने एशिया का पहला कैनिस्टर बेस्ड मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था. और भेल ने डेवलप किया है इंडिया का पहला पायलट प्लांट एट हैदराबाद जो कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़ करके बना रहे हैं, जो हाई एश कोल है उसको कन्वर्ट करेंगे मिथेनॉल में. ये एक फ्लूडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि सिनगैस प्रोड्यूस करेगी फ्रॉम कोल एंड देन उसको फिर मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा विथ 99% प्योरिटी. एज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, क्लीन एनर्जी रिसर्च इनिशिएटिव का जो कि नीति आयोग का पार्ट है. और वो फंड कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और ये हेल्प करेंगे कि हम क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ इंडियन एनर्जी का और रिड्यूस कर पाएँ जितना भी क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है उसको फॉर सेल्फ रिलायंस. तो ये हो गया इनिशिएटिव्स टेकन इन इंडिया. नाउ लेट्स कम टू इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया की बात करें तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टारगेट है उसको एडवांस कर दिया है. पहले 2030 टारगेट था, अब 2025 टारगेट बोल दिया है. कि पहले कितना था कि हमको 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल में 2030 तक, बट अभी बोल दिया है 20% इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड करना है बाई 5 years टू 2025 तक. ठीक है, 2030 से 2025 तक दे दिया है. अब बायो इथेनॉल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा USA प्रोड्यूस करता है 57%. ठीक है, इंडिया सिर्फ 2% करता है. तो याद रखिएगा USA सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. अब मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो गवर्नमेंट ने अभी रिलीज़ किया है एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ऑन द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाई 2025. उन्होंने प्रपोज किया है कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उसको रोल आउट करना है कि E10 फ्यूल सप्लाई जो है उसको अचीव कर पाएँ बाई अप्रैल 2022 एंड फेज्ड रोल आउट ऑफ E20 फ्रॉम अप्रैल 2023 टू अप्रैल 2025. अर्लियर क्या था कि नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी जो थी 2018 की, उन्होंने बोला था कि 20% जो ब्लेंड है इथेनॉल को हमको पेट्रोल के साथ करना है और 5% ब्लेंड जो है बायोडीजल को हमको डीजल के साथ करना है बाई 2030 तक. बट 2020 में इंडिया ने टारगेट को सेट कि 10% इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल में बाई 2022, 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल में बाई 2030 और 10% इथेनॉल ब्लेंड करना है डीजल में बाई 2030. और इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि ये एक व्हीकल रिइंट्रोड्यूस करेंगे जो कि कंपैटिबल होंगे कि E20 जो मटेरियल कंप्लायंट और E10 इंजन ट्यून्ड व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस कर पाएँ फ्रॉम अप्रैल 2023 और प्रोड्यूस कर पाएँ E20 ट्यून्ड इंजन व्हीकल फ्रॉम अप्रैल 2025. तो ये एफर्ट्स कहीं ना कहीं हमको एडिशनल इथेनॉल डिस्टिलेशन कंपनी कैपेसिटीज़ है उसको सेटअप करने में हेल्प करेंगे और प्रोवाइड करेंगे टाइमलाइंस कि हम इथेनॉल को ब्लेंड कर पाएँ अक्रॉस द कंट्री. ओके, ये हमको ये भी हेल्प करेंगे कि जो हमारा कंजम्पशन है इथेनॉल का वो बढ़ पाएगा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट में और एडजॉइनिंग रीजन में बिफोर द ईयर 2025. अब इथेनॉल इंडियाज के बायोफ्यूल की टाइमलाइन अगर देखें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2003 में इंट्रोड्यूस किया. किसने इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने. ओके, फिर 2014 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म. फिर उसके बाद नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई 2018 में इन लाइन विथ EPV एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो भी लाई गई इथेनॉल के एनहांसमेंट के लिए. 2020 में नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जो कि सरप्लस राइस जो है उसको यूटिलाइज करेगी FCI में जो भी रहता है और उसको रिलीज करेगी डिस्टिलर्स के पास कि आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाएँ. 2021 में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है एनहांसमेंट और ऑगमेंटेशन जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए उसके लिए लाया गया कि वॉज एक्सटेंडेड टू ग्रेन बेस्ड डिस्टिलर्स और डिस्टिलर्स जो थे प्रोड्यूसिंग फ्रॉम फीड स्टॉक लाइक शॉर्गम एंड शुगर बीट एटसेट्रा. अब आते हैं व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग. इतना हमने इथेनॉल पढ़ा, इथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ा, अब इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है वो देखते हैं. तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इज डिफाइंड एज अ ब्लेंडेड मोटर फ्यूल कंटेनिंग इथाइल एल्कोहल दैट इज एट लीस्ट 99% प्योर डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विद गैसोलीन. तो जो भी इथाइल एल्कोहल है जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से निकालते हैं 99% जो है वो प्योर होना चाहिए और उसको हम गैसोलीन के साथ मर्ज करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बोला जाता है. सिंस ये प्लांट बेस्ड होता है इसलिए ये रिन्यूएबल फ्यूल की तरह कंसीडर किया जाता है. गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि इथेनॉल प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जो है जो भी शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अभी अलाउ कर दिया है. और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको ये बोला है कि इथेनॉल को प्रोक्योर करेंगी डोमेस्टिक सोर्सेज से और उसको ब्लेंड करेंगी एट इट्स टर्मिनल्स. गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफाई कर रही है एज एन एडमिनिस्टर्ड पाइप्स और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
जो है ये नोडल एजेंसी है, नोडल डिपार्टमेंट है फ्यूल ग्रेड इथेनॉल को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब रीसेंट इनिशिएटिव जो हमारे बायो इथेनॉल को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं, तो अंडर प्रधानमंत्री जीवन, जीवन मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, इसमें 12 प्लांट्स और 10 डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट्स जो है सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज के लिए एनविसेज किया गया है कि वो सेटअप किए जाएंगे उन एरियाज़ में जहाँ पे सफिशिएंट अवेबिलिटी हमारे बायोमास की, सो दैट इथेनॉल जो है वहाँ पे इजीली ब्लेंड हो पाए थ्रू आउट द कंट्री। 2G प्लांट जो है यूटिलाइज किया जाएगा सरप्लस बायोमास और एग्रीकल्चर वेस्ट को कि हम बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करें। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 8,460 करोड़ रुपीज़ जो है अप्रूव की है मॉडिफाइड स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर दोज सेटिंग अप स्टैंड लोन इथेनॉल डिस्टिलर्स। ये फोकस जो है कि हमको इंडिया का इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ऑफ E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन एट 3 लोकेशन इन पुणे। ओके, अब हम आते हैं व्हाट आर द रिलेटेड न्यूज़। तो नोटिफिकेशन ऑफ मास एमिशन स्टैंडर्ड फॉर E12 एंड E15 फ्यूल बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो मास एमिशन स्टैंडर्ड फॉर E12 मतलब 12% इथेनॉल ब्लेंड है गैसोलीन के साथ, और E15 मतलब 15% इथेनॉल ब्लेंड है गैसोलीन के साथ फ्यूल्स जो है नोटिफाई किए गए हैं अंडर सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 2021। ये इनेबल करेंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी E12 और E15 कंप्लाइंट मोटर व्हीकल्स। कैपेबिलिटी जो है व्हीकल्स की वो टू द लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंड शेल बी डिस्प्लेड ऑन द व्हीकल, मतलब व्हीकल में डिस्प्लेड होना चाहिए बाई पुटिंग क्लियर एक विजिबल स्टीकर लगाना पड़ेगा। और ये इन लाइन है इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो कि टारगेट सेट करता है कि 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है गैसोलीन के साथ बाई 2023-24 तक। अब गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी इशू की है कार मेकर्स के लिए जो कार बनाते हैं कि वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है व्हीकल में वो इंट्रोड्यूस करें। कार मेकर्स जो हैं वो उनको 6 मंथ दिया गया है फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि सो कार जो है वो इथेनोलिन पे रन कर पाए इन फ्यूचर। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते क्या हैं, ये एक मॉडिफाइड वर्जन व्हीकल के हैं जो कि गैसोलीन और ब्लेंडेड पेट्रोल दोनों में रन करते हैं, दोनों में चलते हैं विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंड्स। देयर आर करंट कहाँ पे अवेलिंग है, ब्राज़ील में, ये मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया है। और ये पीपल को ऑप्शन देते हैं कि वो फ्यूल से स्विच हो पाए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल एज पर फ्यूल अगर बात करें तो मोनो फ्यूल व्हीकल, जो व्हीकल सिर्फ नेचुरल गैस पे ऑपरेट होते हैं उनको मोनो फ्यूल व्हीकल बोला जाता है। फिर बाई फ्यूल व्हीकल, व्हीकल जो 2 इंडिपेंडेंट फ्यूल पे ऑपरेट होते हैं, वन इज़ नेचुरल गैस एंड अदर जो है कोई और फ्यूल्स, तो साइमल्टेनियसली, तो उनको बाई फ्यूल बोला जाता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो होते हैं जो इंजीनियर और डिज़ाइन होते हैं मिक्सचर ऑफ एनी 2 और उनसे ज्यादा डिफरेंट फ्यूल्स से बनते हैं। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होते हैं जो वो कैपेबल होते हैं कि किसी भी मतलब ब्लेंड जो है गैसोलीन और इथेनॉल का अप टू 83% हो जाता है, तो वो रन कर सकते हैं। फिर आते हैं कसावा ट्रॉपिका। तो ICAR जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कसावा ट्रॉपिका जो है ये एक प्रॉमिसिंग रॉ मटेरियल है हमारे बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको मीट करेगी बाय 2025। अबाउट कसावा, कसावा है क्या, ये एक स्टार्च है जिसकी यूनिक साइको केमिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक्सटेंसिव एप्लीकेशन फूड और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो है कसावा का, सच एज पील्स, स्टेम्स एंड लीव्स, वो पोटेंशियल फीड स्टॉक है फॉर 2G बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। और मेजर जो प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु से आता है फॉलोड बाय केरला। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायो डीजल। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने किक्ड ऑफ किया है कि वो डीजल को सप्लाई करेंगे जो कि ब्लेंड किया जाएगा विद बायो डीजल, और जो भी वो बनाया जाएगा वो किससे, यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनाया जाएगा। अब यूज्ड कुकिंग ऑयल है क्या, यूज्ड कुकिंग ऑयल वो ऑयल्स और फैट हैं जो हम कुकिंग और फ्राइंग में यूज़ करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड और एट कंज्यूमर लेवल की बात करें हाउस होल्ड्स में भी। यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है कंटेन करते हैं ओनली फैट ऑयल्स और ग्रीसेस जो कि प्रीवियसली यूज हो चुके हैं कुकिंग और फ्राइंग में, ठीक है। तो पहले ही कुकिंग और फ्राइंग में यूज हो चुके हैं इसलिए यूज्ड कुकिंग ऑयल। अब यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे रॉ मटेरियल का बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए। इसको यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स, कुकिंग ऑयल और एनिमल फीड करने के लिए। और बेनिफिट अगर बात करें बायोडीजल की तो ये पीपल को प्रिवेंट करते हैं, पीपल को मतलब प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीरियस एलिमेंट्स सच एज हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर, इन सब से।
यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है जब भी डिस्कार्ड हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ये ड्रेनेज सिस्टम क्लॉक्स कर देते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। अब बायोडीजल होता क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है जो हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल है और सिमिलर होता है कन्वेंशनल और फॉसिल डीजल से। ये प्रोड्यूस किया जाता है वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, फैट्स, टैलो और वेस्ट कुकिंग ऑयल से। इसका प्रोसेस यही है कि इसको कन्वर्ट, इन ऑयल्स को कन्वर्ट किया जाता है बायोडीजल में। इसको ट्रांस इस्ट्रिफिकेशन से कन्वर्ट किया जाता है। ये कार्बन न्यूट्रल है, दैट मीन्स ऑयल सीड्स जो है अब्जॉर्ब करते हैं सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट्स रिलीज व्हेन द फ्यूल इज कंबस्टेड इन द व्हीकल। ये रैपिडली बायोडिग्रेडेबल और कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक है। अब इनिशिएटिव जो हमने बायोडीजल के लिए, बायोडीजल को बनाने के लिए यूज कुकिंग ऑयल में लिए हैं, तो 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस स्टील ने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक इनिशिएट किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम यूसीओ। इसका एम यही है कि जो इको सिस्टम है हमारा, वहाँ पर एक इको सिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पर हम यूज कुकिंग ऑयल को कलेक्ट कर सकें और उनको कन्वर्ट कर सकें इंटू बायोडीजल और डेवलप कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। इस इनिशिएटिव के अंदर जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पीरियोडिकली इंक्रीमेंटल प्राइस गारंटी करेंगी फॉर 5 ईयर्स और एक्सटेंड करेंगी ऑफ टेक गारंटी फॉर 10 ईयर्स टू परस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आए जो कि एनकरेज करेंगे कि आपको सप्लाई चेन मैकेनिज्म सेट करना है बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए फॉर नॉन एडिबल ऑयल सीड्स और यूज कुकिंग ऑयल शॉर्ट जेस्टेशन क्रॉप्स। अब FSSAI ने फूड स्टैंडर्ड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके उन्होंने रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 2019 में। प्रोजेक्ट का एम यही है कि हमको ऑयल को परचेस करना है फ्रॉम हॉस्टलर्स, कैटरर्स और स्नैक मेकर्स और ट्रेडर से रीजनेबल प्राइस में और उसको फिर बायोडीजल में कन्वर्ट करना है। तो FSSAI ने मिलकर रूको लॉन्च किया है। अब रूको स्टीकर जो है एंड अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है फॉर कलेक्शन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल टू एंश्योर दैट कि ये जो है हमारे इकोसिस्टम में दोबारा नहीं आ रहा है। अब इशूज क्या है रूको के साथ, एट प्रेजेंट अगर बात करें तो कोई भी इस्टेब्लिश चेन नहीं है यूज कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करने के लिए। इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहती हैं लाइक फ्री फैटी एसिड्स और वाटर, और इसके लिए लार्ज फूड बिजनेस ऑपरेटर्स रिक्वायर हैं जो कि यूसीओ को सेपरेटली हम मतलब यूज कुकिंग ऑयल को सेपरेटली स्टोर कर पाएँ जब फिर उसके बाद उसको सेल कर पाएँ टू ऑथराइज यूसीओ एग्रीगेटर्स। ओके, तो ये हो गया यूज्ड कुकिंग ऑयल, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। तो रिसेंटली एक ब्लूप्रिंट जो है नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। ओके, सो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात बताएं तो गवर्नमेंट का एम यही है कि हमको अचीव करना है गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। तो क्या अचीव करना है, 100 मिलियन टन्स जो है कोल का अचीव करना है गैसिफिकेशन बाय 2030। और ये फर्स्ट टाइम मिशन बनाया गया है, ये फर्स्ट टाइम मिशन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है गैसिफिकेशन से रिलेटेड। इन ऑर्डर टू टेक अहेड ऑफ विजन, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कुछ इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बताई है कि हमको गैसिफिकेशन पोटेंशियल है उसको मैप करना है कोल फील्ड्स में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, सूटेबल बिजनेस मॉडल को डेवलप करना है कि वो बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सेटअप कर पाएँ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है एंड प्रोडक्ट्स के लिए वो लानी है, पॉलिसी सपोर्ट करना है विद व्यू टू एनकरेज आत्मनिर्भर भारत स्कीम, कोऑर्डिनेशन करना है विद वेरियस स्टेक होल्डिंग मिनिस्ट्रीज और प्रोवाइड करना है क्वांटिफेबल टारगेट टू बहुत सारी कंपनीज को और इनका इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना है। अब कुछ इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हैं कोल गैसिफिकेशन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसोर्स ग्रुप ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोल गैसिफिकेशन क्रिएट किया है। फिर भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उन्होंने एक फ्लूडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि सूटेबल है हाई ऐश इंडियन कोल्स के लिए कि वो हमारे प्रोड्यूस कर पाए सिन गैस और फिर सिन गैस को हम कन्वर्ट कर पाए मिथेनॉल में विथ 99% प्योरिटी जो हम पहले देख चुके। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड का पहला DRI प्लांट बेस्ड ऑन कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बाई यूजिंग डोमेस्टिक कोल जो कि ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा है हमारा उड़ीसा में। अब कोल गैसिफिकेशन होता क्या है, इतना तो हमने पढ़ लिया, कोल गैसिफिकेशन होता क्या है वो भी तो इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो कोल गैसिफिकेशन की बात करें तो कोल गैसिफिकेशन मतलब कि प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जहाँ पे हमको कोल को कन्वर्ट करना है सिन गैस में। अब सिन गैस क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सिन गैस टेक्नोलॉजी जो है ये अलाउ करेगी कि जो नॉन मेनिएबल कोल है लिग्नाइट है उसको कम्बस्टेबल गैसेस में कन्वर्ट करना थ्रू इन सीटू गैसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। कोल गैसिफिकेशन जो है क्लीनर ऑप्शन है कंपेयर टू बर्निंग
बर्निंग ऑफ कोल। तो अब कोल गैसिफिकेशन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर और भी प्रोडक्ट्स आते हैं ठीक है। तो ये दिया है, ये चार्ट दिया है। फिर आते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने डिस्कस किया है कि वो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाएंगे ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है उसको क्रिएट करना है और उसको प्रमोट करना है लार्ज स्केल बेसिस पे अक्रॉस ऑल द वैल्यू चेन, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से लेकर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। की हाईलाइट्स जो ड्राफ्ट पॉलिसी के हैं, तो जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको इंटीग्रल पार्ट बनाना है पावर सिस्टम का अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। पीपल जो है वो फ्री सेटअप करें स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। डेवलपर्स को ग्रांट किया जाएगा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी और उनको अलाउ किया जाएगा कि वो सेल और परचेस कर सके पावर को किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में। क्वांटम जो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का वो इंक्लूड किया जाएगा विथ राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी और वो काउंट किया जाएगा एज अ रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन फॉर स्टोरेज। ट्रांसमिशन जो है कॉस्ट ऑफ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी शेल बी वेव्ड बोथ एट टाइम ऑफ चार्जिंग एज वेल एज टाइम ऑफ सेलिंग। अर्लियर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। अबाउट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो डिवाइसेस हैं जो एनर्जी को इनेबल करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर और विंड टू बी स्टोर्ड और रिलीज किया जाए जब कस्टमर्स को पावर की ज़रूरत हो। की ग्रिड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं बैटरीज, पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, थर्मल स्टोरेज। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज जो है ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और ACCs जो है ये एक न्यू जनरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेंगी इधर एज इलेक्ट्रोकेमिकल्स और एज केमिकल एनर्जी और कन्वर्ट उस एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में करेंगी जब भी ज़रूरत हो। तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब आते हैं मिसलिनियस। तो मिसलिनियस में है डैम सेफ्टी एक्ट 2019। तो रिसेंटली राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है बिल को। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो ये हेल्प क्या करेगा, ये एक्ट प्रपोज क्या करता है कि सारे स्टेट और यूटी जो है एक यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर लॉ जो है उसको अडॉप्ट करें और सेटअप करें कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कि जो हमारा स्पेसिफिक डैम जो भी हम वो कर रहे हैं वो वेल फंक्शन कर सके और सेफ मतलब और मतलब सेफ्टी प्रोसीजर्स जो हैं वो सेफ रह सके ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा फॉर एडिक्वेट सर्विलेंस इंस्पेक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जितने भी सारे लार्ज डैम हैं उनका कंट्री में और प्रिवेंट करेगा कि डैम फेलर ना हो। अब डैम्स इन इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है रैंक थर्ड कैटेगरी में आता है डैम्स के आफ्टर चाइना एंड USA और ये इंश्योर करते हैं कि वाटर सिक्योरिटी जो है हमारे कंट्री की वो बहुत अच्छी है और कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। As per data of National Register of Large Dam of 2018, महाराष्ट्र के पास सबसे maximum number of dams है followed by मध्य प्रदेश एंड फिर गुजरात। Major dams in India की बात करें तो highest जो dam है that is तेहरी dam जो कि उत्तराखंड में है। तो highest dam कहाँ पे है, तेहरी dam में है उत्तराखंड में जो कि कौन सी river पे है, भागीरथी river के ऊपर। फिर longest dam की बात करें तो हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में है और महानदी रिवर के ऊपर है। लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्ग मतलब सबसे लॉन्ग लेंथ में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हीराकुंड डैम है उड़ीसा में महानदी रिवर के ऊपर। फिर ओल्डेस्ट डैम कौन सा है जो बहुत पुराना है, कालानाई डैम जो कि तमिलनाडु में है जैसे कि यहाँ ठीक है। तो कालानाई डैम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये बिल्ट हुआ है कावेरी रिवर पे और 2000 ईयर्स ओल्ड है ओके। अब टाइप्स ऑफ डैम की बात करें तो एम्बैकमेंट डैम्स आते हैं, कॉन्क्रीट और मसूनरी डैम्स आते हैं और कंपोजिट डैम्स आते हैं। एम्बैकमेंट डैम्स की बात करें तो अर्थ फिल और रॉक फिल डैम्स होते हैं ये। एम्बैकमेंट डैम्स जो है ये मोस्ट कॉमन है, यूटिलाइज वो मटेरियल्स को यूटिलाइज करते हैं यूजली जो अवेलेबल लोकली होते हैं और ससिस्टेबल होते हैं इरोशन के और रिक्वायर कंटिन्यूस मेंटेनेंस। तो इनके लिए मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर कॉन्क्रीट और मसूनरी डैम की बात करें तो ये ग्रेविटी आर्क बटर रेस और रोलर कंपैक्टेड कॉन्क्रीट डैम्स होते हैं। ये बेस्ट सूटेड होते हैं इन चैनल ओवरफ्लो स्ट्रक्चर्स के लिए एज वेल एज नैरो गॉर्जेस के लिए। फिर आते हैं कंपोजिट डैम, यूज एन अर्थफिल और रॉकफिल एम्बैकमेंट्स यूज करते हैं फॉर द नॉन ओवरफ्लो पोर्शन ऑफ द डैम और कॉन्क्रीट और मसूनरी यूज करते हैं फॉर ओवरफ्लो ठीक है, जो ओवरफ्लो स्पिलवे होता है उसके लिए। तो ये तीन टाइप्स के डैम होते हैं। अब की फीचर्स हम देख लेते हैं बिल के। तो एप्लीकेबिलिटी बताएं कि ये सारे स्पेसिफाइड जो डैम है हमारी कंट्री के उन सब पे अप्लाइज होगा और दीज आर डैम्स
विद जिनकी हाइट मोर देन 15 मीटर से ज़्यादा है और हाइट जो है 10 मीटर से 15 मीटर है, और कुछ एडिशनल डिज़ाइन कंडीशन है सच एज रिजर्वायर कैपेसिटी. फिर डैम सेफ्टी अथॉरिटीज़ की बात करें तो देर आर 4 लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग, 2 सेंट्रल लेवल पे है, 2 स्टेट लेवल पे. तो पहली है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि हमारे लिए यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स. फिर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी क्रिएट की गई है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस देखेगी, और कोई भी डिसीजन जो NDSA लेगी, अथॉरिटी लेगी, वो बाइंडिंग होगा सारी पार्टीज पे. तो याद रखिए बाइंडिंग होगा. स्टेट लेवल पे बात करें तो एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है कि स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी उसको एस्टेब्लिश करेंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और एस्टेब्लिश करेंगे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ये सब देखेगी. एवरी जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करेगी उन इवेंट्स का, किसी भी डैम फेलर हो रहा है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ NDSA. ऑब्लिगेशन ऑफ डैम ओनर्स की बात बताएं तो जो डैम ओनर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसका कंस्ट्रक्शन सेफ रखें, ऑपरेशन और उसका मेंटेनेंस वो सेफ होना चाहिए और उनके सुपरविजन में होना चाहिए, और दे मस्ट प्रोवाइड अ डैम सेफ्टी यूनिट इन ईच डैम. फंक्शंस जो है डैम ओनर के वो यही है कि इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रिपेयर करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, प्रिपेयर करना है कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवेल्युएशन. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात करें तो कोई भी पर्सन अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, एनी वन ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पर्सन इन डिस्चार्ज ऑफ इस फंक्शन, अगर कोई भी पर्सन किसी कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कि अपना फंक्शन आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते अंडर द एक्ट, और रिफ्यूज कर रहे हैं उनके डायरेक्शन के कंप्लाई होने के जो एक्ट के अंदर है, तो वो इम्प्रिजन किए जाएंगे फॉर अ ईयर, एंड इन केस ऑफ अ लॉस ऑफ अ लाइफ द पर्सन जो है 2 साल की जेल होगी. अदर्स की बात अदर्स बोले तो ये ऑल्सो एड्रेसेस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर क्रिटिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू डैम सेफ्टी ऑन अकाउंट ऑफ इमर्जिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस, और एक्ट ने प्रोवाइड किया है कि आपको रेगुलर इंस्पेक्शन करना है और हजार्ड क्लासिफिकेशन करना है हमारे डैम्स का. तो ये हो गए हमारे डैम्स. अब अदर इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो डैम सेफ्टी के लिए लाए गए हैं, तो धर्मा विच इज़ डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग, ये एक वेब टूल है जो हमारे सारे डैम रिलेटेड डेटा को डिजिटलाइज करेगी, डिजिटल वे में इफेक्टिवली वो बताएगी, जो हेल्प करेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छे वे में हो पाए और इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से पहुँच पाए लोगों तक. सिस्मिक हजार्ड्स असेसमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है शियाज, ये एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन टूल है जो कि डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने अंडर डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी सिस्मिक हजार्ड है डैम से रिलेटेड उनको एस्टिमेट करना है. अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़. तो ड्रिप जो है ये प्रोजेक्ट है, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और ये इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर साइन किया है, $250 मिलियन प्रोजेक्ट है जिसमें हमको डैम रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो भी एग्जिस्टिंग डैम है उनको सेफ और रिजिलियंट बनाना है. अब ड्रिप है क्या, ये एक स्टेट सेक्टर स्कीम है जो विद अ सेंट्रल कंपोनेंट इनिशिएट किया गया था 2012 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है कि वो जितना भी फंडिंग गैप है उसको ब्रिज करेंगे और अर्जेंट फाइनेंस जो हमारे स्टेट को चाहिए डैम को रिपेयर करने के लिए और उनको मेंटेनेंस करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा. 80% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा लोन एज अ लोन और क्रेडिट, और रिमेनिंग 20% स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. ये ऐसा देखा जाता है कि का लार्जेस्ट डैम मैनेजमेंट प्रोग्राम है. अब ड्रिप का फेज वन जो है ये कलेक्टिवली एड्रेस करेगा हमारे हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल सेफ्टी ऑफ 223 डैम्स जो कि हमारे 7 स्टेट्स में लोकेटेड है. फिर सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो इंटरेस्ट किया गया है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन वही करेंगे, और ये क्लोज होगा मार्च 2021 में क्लोज हो चुका है. फिर ड्रिप का फेज टू और फेज थ्री की बात करें तो बेस्ड ऑन सक्सेस जितना भी होगा ड्रिप फेज वन का, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक अनदर एक्सटर्नली फंडेड स्कीम स्टार्ट किया है ड्रिप फेज टू एंड फेज थ्री. इस न्यू स्कीम के अंदर 19 स्टेट के अंदर और 3 सेंट्रल एजेंसीज जो है वो काम करेंगी. ये अप्रूव किया गया है 2020 में फॉर रिहैबिलिटेशन प्रोविजन ऑफ 736 डैम्स. ये स्कीम जो है 10 साल ड्यूरेशन है और प्रपोज्ड की इंप्लीमेंट किया जाएगा 2 फेज में ईच ऑफ 6 ईयर्स ड्यूरेशन विद 2 ईयर्स ओवरलैपिंग. ड्रिप फेज टू जो है ये को फाइनेंस किया जाएगा बाय 2 मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि फंडिंग प्रोवाइड करेंगे $250 मिलियन ईच. फंडिंग पैटर्न जो है स्कीम का वो 80-20 है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, 70-30 है जनरल कैटेगरी स्टेटस के लिए, और 50-50 है सेंट्रल एजेंसीज जो स्टेट के लिए देती हैं. और स्कीम जो है उसमें ये भी प्रोविजन है कि सेंट्रल जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करेगी 90% ऑफ अ लोन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जैसे कि हमारे मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड हो गए. ठीक है, तो फीचर्स पर अगर बताएं तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करेगी स्टेट की,
सस्टेनेबल डैम सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी आत्मनिर्भर भारत की तरफ, वाटर सिक्योरिटी की तरफ, और कोऑपरेटिव मॉडल फॉर सेंटर और स्टेट एक्टिव पार्टिसिपेशन ये मॉडल बनाया जाएगा, और रिजिलिएंट डैम्स और रिजिलिएंट कम्युनिटीज और प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। ओके, तो ये कुछ ड्रिप बेनिफिट्स हो गए कि ये क्या करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डैम का उसको सपोर्ट करेगा, सेफ्टी जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे, रिस्क जो है रिलेटेड टू डैम्स की एज अगर बढ़ रही है तो उसको रिड्यूस करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड प्रोवाइड हो पाए ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन, क्रिएशन ऑफ इम्प्रूव्ड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग डैम्स। अब आते हैं डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन न्यूज़। तो मेघदातु डैम जो है ये कर्नाटका में है, तो ये याद कर लीजिए कहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट, तो कर्नाटका में है। NGT ने एक कमेटी फॉर्म की है कि जो भी उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वॉयलेशन हो रहे हैं नॉर्म्स के उसको देखना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो मेघदातु डैम में कर्नाटका जो है ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया है और वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। ये डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट किसने किया है, तमिलनाडु ने, और ये कौन सी रिवर पर बिल्ट है, दैट इज़ कावेरी रिवर जो विथ इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती रिवर, ठीक है। तो कावेरी और अर्कावती रिवर पे ये बिल्ट है। तो मेघदातु डैम किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, कर्नाटका और तमिलनाडु, और है कहाँ पे, कर्नाटका में है, और किस रिवर पे है, रिवर कावेरी और ट्रिब्यूटरी अर्कावती जो कि उसी की ट्रिब्यूटरी है। फिर नागार्जुना सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम है कहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये डैम जो है वो बिकेम अ पॉइंट इन वाटर वॉर बिटवीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये बिल्ट किस पे है, रिवर कृष्णा पे बिल्ट है, याद रखिएगा किस पे बिल्ट है, रिवर कृष्णा पे। फिर रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये मैंने पिछली बार PT 365 का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट आया था, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना उन्होंने क्या किया था कि जो न्यू प्लेसेस इन न्यूज़ है और जो भी चीज़ें न्यूज़ में है, तो उन्होंने ना एक बॉक्स बना के दिया था, जो कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बोला कि पिछली साल की भी IR आप पढ़िएगा, तो उसमें बॉक्स में उन्होंने रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी दिया था, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। करंटली ये डिसएग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन रेटेल किशन गंगा प्रोजेक्ट, और ये कौन सी रिवर पे है, रिवर चेनाब पे है, याद रखिएगा कहाँ पे, रिवर चेनाब पे। फिर झंगी थोपन पटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है, कौन सी रिवर पे, रिवर सतलज पे है, किस पे, रिवर सतलज पे। फिर मुल्ला पेरियर डैम जो है ये केरला पे है, ये केरला ने भी रेस कंसर्न किए हैं तमिलनाडु जो है की रिलीज कर रहा है वाटर फ्रॉम मुल्ला पेरियर डैम विथाउट सफिशियंट वार्निंग, लोकेट कौन सी रिवर पे, मुल्लायर और पेरियर रिवर्स दोनों पे, ठीक है। तो मुल्ला पेरियर रिवर, मुल्लायर और पेरियर केरला पे है, ठीक है। गांधी सागर डैम हमारा मध्य प्रदेश में है, चंबल रिवर पे, वेरी इंपॉर्टेंट डैम, ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत बड़ा डैम है। तो गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, कौन सी रिवर पे, चंबल रिवर पे। फिर पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा, रेटेल डैम, वो भी कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे है, और जो पक्कुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भी हमारी चेनाब रिवर पे है, ठीक है। चेनाब रिवर ऑरिजिनेट होती है नुंकुन ग्लेशियर से और ज्वाइन करती है हमारी चेनाब रिवर को, ठीक है। तो मेजर ट्रिब्यूटरी है हमारी चेनाब रिवर की, लोकेटेड ऑन मरुसुदार रिवर पे, सॉरी मरुसुदार रिवर पे है ये लोकेटेड, जो कि जम्मू कश्मीर की वो चेनाब रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो किस पे है, मरुसुदार रिवर, मरुसुदार रिवर, ओके। फिर आते हैं पुली चिंताला डैम, ये आंध्र प्रदेश में है, किस में लोकेटेड है, कृष्णा रिवर पे, याद रखिएगा पुलू चिंतारा डैम जो है आंध्र प्रदेश में है और ये किस में, कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है। ऑल्सो कॉल्ड एज KL राव सागर मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट, और ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि इरीगेशन नीड्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करेगा आंध्र प्रदेश रीजन के लिए। अब इंटरनेशनल कुछ देखते हैं, ये तो इंडिया की हो गई। फिर आता है इंटरनेशनल, तो बहिहतन हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि चाइना का है और ये कौन सी रिवर पे है, जिंगसा रिवर पे है। फिर ग्रैंड इथोपियन रेनेंसियंस डैम, ये इथोपिया का डैम है, ये सोर्स है हमारे, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हुआ था इथोपिया और इजिप्ट और जो सूडान नेशन है उनके बीच, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इट विल बी द लार्जेस्ट डैम इन अफ्रीका और लोकेटेड किस पे है, रिवर नाइल पे लोकेटेड है, ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरी मतलब ब्लू नाइल पे। वाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है ये टू मेजर ट्रिब्यूटरीज है हमारी नाइल की, और ब्लू नाइल जो है वो सप्लाई करती है अबाउट 80% ऑफ द वाटर इन द नाइल ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ये कौन सी रिवर पे है, ब्लू नाइल रिवर पे है, ठीक है। तो ग्रेट इथोपियन रेनेसियंस डैम ये अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम हो जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेशनल इंटर लेवल लिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, नेशनल इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी।
तो सेंटर ने अभी बोला है कि वो एक एक्सक्लूसिव बॉडी क्रिएट करेंगे, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, जो हमारी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी जो है ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है जो हमारे इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंटेशन देखेगी, उनको फाइनेंस देखेगी, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगी और उनके लिए प्लानिंग करेगी। ये हेड कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी लेवल रैंक ऑफिसर है वो हेड करेंगे और ये रिप्लेस करेगी एग्जिस्टिंग बॉडी जो कि हमारी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी थी, उसको रिप्लेस करके नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी बनाई गई और ये फंक्शन करेगी एज अ अम्ब्रेला सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए। अब फंक्शंस क्या है कि ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, कंसर्न स्टेट और डिपार्टमेंट के साथ जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई, इनके पास पावर है कि वो एनवायरमेंटल वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इनके पास ये भी पावर है कि फंड रेज कर सकते हैं और एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ बोरोड फंड, जो भी बोरोड फंड किया जाएगा और मनी रिसीव किया जाएगा तो यहाँ पे डिपॉजिट किया जा सकता है और इनके ये पास ये भी पावर है कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल भी सेटअप कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट। अब अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम इन इंडिया अगर बात करें तो बैकग्राउंड अगर बात करें तो इनिशियल प्लान जो है वो 1858 में लाया गया था, ब्रिटिशर्स इरिगेशन इंजीनियर थे सर आर्थर थॉमस कॉटन, वो लेकर आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हमको इंटरलिंकिंग करना चाहिए गंगा और कावेरी रिवर्स का फॉर नेविगेशन पर्पज़। बट जो आइडिया है इंटरलिंकिंग इंडियन रिवर्स का वो रिवाइव किसने किया? इंडिपेंडेंटली बाय एम विश्वराय के एल राव और डी जे दस्तूर ने। फिर 1980 में एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया जो कि प्रिपेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बोला कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनाएंगे, उन्होंने 30 लिंक्स आइडेंटिफाई किए कि पेनिनसुलर रिवर को हम और हिमालय रिवर को कैसे हम कनेक्ट कर पाए। फिर स्पेशल कमिटी ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कॉन्स्टिट्यूट की गई सितंबर 2014 में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कुछ प्रोग्रेस देखा, मॉनिटर किया फॉर ILR। अब एम क्या है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का? तो यही एम है कि सरप्लस वाटर कहीं पर अगर है तो उसको डेफिशिएंट, जहाँ पे मतलब बहुत कम वाटर है वहाँ तक ट्रांसफ़र करना, डेफिशिएंट रिवर तक ट्रांसफ़र करना, उन दोनों रिवर्स को लिंक करना सो दैट एक्सेस वाटर जो है सरप्लस रीजन से डेफिशिएंट रीजन तक जा सके। तो ये इसका एम था। एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो 6 इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए। केन बेतवा जो है वो पहला रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, फिर दमन गंगा पिंजल पर तापी नर्मदा मानस संकोच तीस्ता गंगा मानस संकोच फिर तीस्ता गंगा महानदी गोदावरी और गोदावरी कावेरी। ओके, तो दीज आर द कुछ पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द नीड फॉर ILR। तो ऑब्वियसली लाइवलीहुड जनरेशन, डैम बनेगा मतलब रिवर लिंक करेंगे तो हमारे लाइवलीहुड जनरेशन होगा, नेविगेशन प्रमोट किया जाएगा, इरीगेशन पोटेंशियल बढ़ जाएंगे, वेरिएशन इन रेनफॉल और वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्लड्स और ड्राउट्स इफेक्ट रिड्यूस हो पाएंगे क्योंकि सरप्लस वाटर हमारा कहीं और चला जाएगा। अब इंटर केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इनके लिए केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए। केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो ट्रांसफर करेंगे वाटर केन रिवर से बेतवा रिवर में थ्रू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ धौधन डैम, ठीक है, जो कि कैनाल एंड एक कैनाल बनाया जाएगा जो लिंक करेगा दोनों रिवर्स को। और बोच जो है केन और बेतवा दोनों ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? हमारी यमुना की। ये वाटर कैरी करेंगे फ्रॉम वाटर सरप्लस एरियाज से ड्राउट प्रोन एरियाज तक पहुंचाएंगे और वाटर डेफिसिट एरियाज तक जैसे कि बुंदेलखंड रीजन हो गया। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई गई है जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है। हाउएवर कंसर्न्स भी इससे रेज किए गए कि ये कहीं ना कहीं पार्शली जो है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है MP का उसको सबमर्ज कर लेगा जो कि वहाँ के वल्चर्स कम्युनिटी है उसको अफेक्ट करेगा। ओके, तो यह हो गया केन और केन बेतवा। नाउ लेट्स कम टू अबाउट केन एंड बेतवा रिवर। तो केन रिवर जो है कैमूर हिल्स जबलपुर से निकलती है, ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बेसिन है यहाँ पे। और फीचर्स क्या हैं कि वो पन्ना और ज्वाइन करती है यमुना को एज इट्स लास्ट ट्रिब्यूटरी। बेतवा रिवर की बात करें तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में इसका बेसिन है और ये यमुना को ज्वाइन करती है एज इट्स ट्रिब्यूटरी। अब अदर सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन न्यूज़, तो अर्थ ओवरशूट डे वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ ओवरशूट डे जो है
मार्क्स करता है वो डेट जब ह्यूमैनिटी की डिमांड जो है, मतलब पीपल्स की डिमांड जो है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज की और सर्विसेज की, ज़्यादा हो जाती है एक साल में, जो अर्थ हमारा रीजनरेट नहीं कर पाता. फॉर एग्जांपल, अर्थ से हमने इतना डिमांड किया कि हमारा जो, फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर और आप रिसिप्ट मांग के चलिए कि हम जितना रिसीव कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है. तो वही चीज़ है कि अर्थ अगर रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, हमारी डिमांड इतनी इंक्रीज़ हो जा रही है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज और सर्विसेज की हर साल कि हमारा जो अर्थ है वो इतना ज़्यादा रीजनरेट नहीं कर पा रहा है. ये होस्ट और कैलकुलेट कौन करेंगे? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करेंगे. सिंस 1970 से वो होस्ट कर रहे हैं. 29th जुलाई जो है वो अर्थ ओवरशूट डे की तरह मनाई जाती है फॉर 2021. लास्ट ईयर जो है अर्थ ओवरशूट डे था वो 22nd अगस्त को था, जो कि एक्सेप्शन था टू द एडवांसिंग ट्रेंड ऑफ ओवरशूट टिल 2019. तो ये क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज़ हो रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का CO2 एमिशन इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण जो है डेट आगे खिसक रही है. फिर आते हैं ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट. तो ये लॉन्च किया है मई 2019 में, और ये पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच. इसका एम यही है कि जो भी हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म करना है कि वो लो कार्बन एमिट करे, सपोर्ट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो कमिटमेंट कर पाए कि रेलेवेंट जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, और गोल्स जो है एनर्जी एफिशिएंसी के गोल्स उनको बढ़ाना है फॉर इंटरनेशनल शिपिंग. इंडिया जो है सेलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट कंट्री अंडर द प्रोजेक्ट फॉर कंडक्ट अ पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग. फिर आते हैं जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया. तो नीति आयोग जो है इसरो के साथ कोलाबरेट करके उन्होंने एक जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप इंडिया के लिए डेवलप किया है, जो कि सपोर्ट एनर्जी मिनिस्ट्रीज ने उनके सपोर्ट भी किए हैं. तो GIS क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि हमारे सारे जो अर्थ के सरफेस में जो भी पोजीशंस हैं उनसे रिलेटेड डेटा को स्टोर करेगी, कैप्चर करेगी और उसको चेक करेगी और डिस्प्ले करेगी. ये क्रूशियल पार्ट है हमारे स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का. GIS मैप जो है ये होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करता है सारे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कंट्री में, और ये इन लाइन है ड्राफ्ट नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 के जैसा उसी उसमें, और ये इनेबल करता है कि हमारी जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है उसको विजुलाइज कर पाए. फिर आते हैं शून्य लेबलिंग फॉर नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग. तो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग के लिए वो लॉन्च किया गया है. तो नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग यही है कि हाईली एफिशिएंटली बिल्डिंग बनानी है जहाँ पे एनर्जी की जो डिमांड हो एक्सट्रीमली कम हो. ये एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स पे बेस्ड है. दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो भी कंज्यूम करेगा बिल्डिंग ओवर अ ईयर डिवाइडेड बाई टोटल बिल्ट बाई बिल्डअप एरिया. ओके, तो ये एनकरेज करेगा कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाए और फर्दर इम्प्रूवमेंट करें. अब नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अभी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है एज अ सेंट्रल बैंक फॉर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम. तो नेटवर्क ग्रीनिंग फॉर फाइनेंशियल सिस्टम है क्या? ये एक ग्रुप है सेंट्रल बैंक और सर्विसेज का जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क की तरफ फाइनेंशियल सेक्टर में. और ये लॉन्च हुआ था एट द पेरिस वन प्लैनेट समिट इन दिसंबर 2017. फिर आते हैं स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. ये लॉन्च हुआ था इन अकॉर्डेंस विथ US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, जो कि एट द लीडर समिट क्लाइमेट में हुआ था. एनर्जी सिक्योरिटी आपको पता है वन ऑफ द कोर एरिया है इंडिया और US स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप में, और इंडिया ने एलिवेट किया है इंडिया US एनर्जी डायलॉग. अब SCEP जो ऑर्गेनाइज करते हैं एक इंटर गवर्नमेंटल इंगेजमेंट है, 5 पिलर्स हैं इसमें. कॉपरेशन है पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ और इमर्जिंग फ्यूल्स. फिर आते हैं IREDA बैक्स ग्रीन ऊर्जा अवार्ड्स. तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, उसको अभी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है फॉर द लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन 2021 बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो IREDA जो है ये मिनी रत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एस्टेब्लिश है एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1987 में. फिर सतत इनिशिएटिव जो है ये इस इनिशिएटिव का यही है कि हमको कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट को सेटअप करना है और उसको अवेलेबल करना है कि वो सबको अवेलेबल हो फॉर ऑटोमेटिव फ्यूल्स बाय इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है कि जो भी हमारे माइनिंग के कारण इम्पैक्ट हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करना है और फॉर्मुलेट करना है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल मिटिगेशन इन कोल एंड लिग्नाइट सेक्टर.
फिर बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी, तो अभी हमने ये पढ़ा दिया है साइंस एंड टेक में, तो CSIR और IIP देहरादून जो है उन्होंने होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो बायो जेट फ्यूल जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे और वो जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ में आ सके। तो बायोजेट फ्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है, यूजिंग कुकिंग ऑयल, ट्री बोन ऑयल, शॉर्ट जेस्टेशन ऑयल सीड्स, इन सबको यूज़ करके बायोजेट फ्यूल जो है क्रिएट किया जाता है। AN-32 ट्रांसपोर्टेशन प्लान और कमर्शियल प्लान स्पाइस जेट जो है वो 2018 से इसी को यूज़ करके उड़ रहे हैं। फिर अर्बन शिफ्ट इनिशिएटिव, ये एक ब्रांड नेम है फॉर सस्टेनेबल सिटीज इंपैक्ट प्रोग्राम जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड करेगी। और अर्बन शिफ्ट जो है वो सिटीज को सपोर्ट करते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आप अडॉप्ट करिए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जहां पे आप पीपल और प्लैनेट को दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब एक बैलेंस बना के रहना है। इन इंडिया पुणे में बात करें और सूरत जो है ये भी इंक्लूडेड है, और ये यूनियन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन UNEP ये लेड करती है इन पार्टनरशिप विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। फिर सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज़, तो ये UNEP ने रिलीज़ किया है। तो हैंडबुक ऑफर्स करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू फॉर सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग अप्रोचेस विथ वाइट फिर होल सिस्टम अप्रोच इंटीग्रेट करके। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव ने रिलीज़ किया द एनुअल ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021। ये एक मल्टी गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो कि 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। 15 कंट्रीज जो है ये पार्टिसिपेट कर रही हैं EVI में, इंक्लूडिंग इंडिया विद IEA जो है वो कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट कर रहा है। ये वर्क करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है और उसका इंट्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट करें वर्ल्ड वाइड, और ये इंक्लूड करेंगे कुछ कैंपेन, तो EV30@30 जहाँ पे एटलीस्ट 30% न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स करनी है हमको 2030 तक, और EVI ग्लोबल EV पायलट सिटी प्रोग्राम जो कि एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल सिटीज़ के लिए कि वो कम्युनिकेट करें कोऑपरेट करें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। फिर आते हैं मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, तो रिसेंटली इंडिया ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज जो है लॉन्च किया है अंडर मिशन इनोवेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया है वर्चुअली एट इनोवेशन 2.0 नेट जीरो समिट जो कि चिली ने होस्ट किया है। अब क्लीन टेक एक्सचेंज होता क्या है, क्लीन टेक एक्सचेंज एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जहाँ पे हम कुछ इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क क्रिएट करेंगे अक्रॉस मेंबर कंट्रीज की क्लीन एनर्जी जो इनोवेशन है उसकी तरफ प्रमोट कर पाए, और ये नेटवर्क जो है हमको एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि हम मार्केट और एक्सपर्टीज इनसाइट नीडेड टू सपोर्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। अब मिशन इनोवेशन है क्या, ये एक एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो हमारी क्लीन एनर्जी के लिए सॉल्यूशन बताते हैं डोमेस्टिक इनोवेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मिला के। ये कंसिस्ट करते हैं 24 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। फर्स्ट फेज जो है मिशन इनोवेशन का वो लॉन्च हुआ था अलॉन्ग द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में। मिशन इनोवेशन में एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म है मेंबर कंट्रीज के लिए, इनोवेशन प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, एक्सचेंज नॉलेज करेगा, वर्क इन्वेस्टर्स के साथ करेगा। मिशन इनोवेशन 2.0 जो है ये सेकेंड फेज है मिशन इनोवेशन का जो लॉन्च किया गया है अबव समिट में, और ये कैटलाइज करेगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा क्लीन एनर्जी रिसर्च और डेवलपमेंट में। ओके, नाउ लेट्स कम टू कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। तो कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ में आते हैं इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो ओवर द ईयर्स चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अभी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन पे स्ट्रेस किया है। तो इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन वो होता है डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड इन विच ह्यूमन कम्युनिटीज़ आर डिजाइन टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल एंड द प्लानट। मतलब जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ओवरऑल वेलबींग पीपल और प्लानट का वो बढ़ा पाए, तो इसलिए जो है ये किया गया है। ये कंसिडर किया जाता है नेचर टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ रादर देन समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लॉयटेड विदाउट रिस्ट्रेंट। फिर सस्टेनेबल रिकवरी प्लान, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में अभी उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कार्बन एमिशन जो है वो सेट टू रिबाउंड एज कंट्रीज फोकस ऑन इकोनॉमिक रिकवरी फॉलोइंग द COVID-19 पेंडेमिक। अबाउट सस्टेनेबल रिकवरी प्लान की बात करें तो 2020 में लॉन्च किया गया है, और प्लान का एस्टिमेट यही है कि इफ गवर्नमेंट मोबिलाइज $1 trillion इन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट ईच ईयर फ्रॉम 2021 to 2023, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा बाय 1.1% points a year। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो बिलीव करती है फुल एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और वो सेव करेगी और क्रिएट करेगी रफली 9 million jobs।
फिर आते हैं लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कि वो एक एक्शन प्लान सर्व करेंगे कि जो भी 32 लाख इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि वो वर्क कर सके कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो लोकलाइज कर सके, क्योंकि लोकल पीपल जो है ज़्यादा अपने एरिया के बारे में जानते हैं तो उससे जो है वो वर्क करें. लोकलाइजिंग जो है ये एक प्रोसेस है कि हमको सब्सटेंशियल सब नेशनल कॉन्टेक्स्ट को रिकग्नाइज करना है इन अचीवमेंट ऑफ 2030 SDG गोल. ये हमको रिलेट करेंगे हाउ लोकल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है अचीवमेंट SDG अचीवमेंट के लिए. फिर बायो इकोनॉमी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट FAO रिपोर्ट तो रिन्यूएबल वुड बेस्ड प्रोडक्ट इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट्स और वुड बेस्ड टेक्सटाइल फाइबर्स हैं ये 2 एमर्जिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो कि हमारे रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल क्राइसिस के लिए. दोनों प्रोडक्ट जो है हेल्प करेंगे कि हम बायो इकोनॉमी को रियलाइज कर सकें. अब बायो इकोनॉमी होता क्या है? बायो इकोनॉमी जनरली रिफर्स करता है वो इकोनॉमी जहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं फूड एनर्जी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. बायो इकोनॉमी सारे सेक्टर्स को कवर करता है और सारे सिस्टम्स को. ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ. नाउ लेट्स कम टू रिपोर्ट एंड इंडाइसेस. तो सबसे पहला आता है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट. तो ये नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर रिलीज किया है. तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर रिलीज़ किया है. की फाइंडिंग इसके यही है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है वर्ल्ड में. पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है इंडिया की स्टिल थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है. मेजॉरिटी ऑफ इंडियन रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन जो है वो सोलर और विंड से आती है और रिन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन जो है हाईली वेरिएबल है कुछ स्टेट में इंडिया के. फिर वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज़ करती है. की फाइंडिंग है कि एनुअल ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है $1.9 trillion हो जाएगी जो कि बढ़ जाएगी. रिन्यूएबल्स जो है वो डोमिनेट करेंगे इन्वेस्टमेंट को इन न्यू पावर जनरेशन और एक्सपेक्टेड टू अकाउंट 70% ऑफ 2021 टोटल्स ऑफ $530 billion स्पेंड किया जाएगा. अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है ऑयल और गैस पे एक्सपेक्टेड है कि वो भी ग्रो हो जाएगी बाय 10% और ग्लोबल एमिशन जो है वो भी ग्रो होगा बाय 1.5 billion tons. अ मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी रीपर्पसिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम ये FAO UNEP UNDP इन सब ने मिलकर रिलीज किया है. अब UN अंडर ऑन द ईव ऑफ फूड सिस्टम समिट. तो UN फूड सिस्टम समिट जो है वो UN जनरल असेंबली के टाइम पे होता है न्यूयॉर्क में, जो कि हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम के लिए कुछ सेट आउट करते हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म कर सके कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए. फिर आते हैं एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट 2021-30 OECD और FAO मिलकर रिलीज करते हैं. ये रिपोर्ट जो है कंसेंसस असेसमेंट प्रोवाइड करती है 10-year प्रोस्पेक्ट के बारे में जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है फिश बायोफ्यूल मार्केट एट नेशनल रीजनल और ग्लोबल लेवल पे. फिर ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी IFED है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन्होंने रिलीज की है. रिपोर्ट एनालाइज करती है कि जो भी डिफरेंट सेगमेंट है हमारे फूड सिस्टम के उसमें से जो भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं उनको देखती है, जैसे कि कंजम्पशन प्रोडक्शन कहाँ पे क्या इश्यूज हैं रूरल पॉपुलेशन में. अब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है क्या? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है. ये उसमें 177 मेंबर स्टेट हैं जो डेवलपिंग मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज सबसे हैं. इंडिया जो है इसका मेंबर स्टेट है और मेंबर जो है IFAD का ये सबके लिए ओपन है, किसी भी स्टेट के लिए जो भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के लिए और उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के और इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी मेंबर है. अब स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ये किसने डेवलप किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी. तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये याद करना है आपको क्योंकि ये इंडिया की इंडेक्स है. तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और AEEE मिलकर रिलीज करते हैं. ये पहली बार 2018 में लॉन्च हुई थी. ये एक्सेस करती है परफॉर्मेंस 36 स्टेट का और यूटी का एनर्जी एफिशिएंसी यूजिंग 68 क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को लेकर आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स अक्रॉस 6 सेक्टर्स नेमली बिल्डिंग इंडस्ट्री म्यूनसिपैलिटीज ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर डिस्कम्स एंड क्रॉस सेक्टर. इंडिकेटर्स जो है स्टेट की परफॉर्मेंस को एक्सेस करते हैं पॉलिसी और रेगुलेशन में, फाइनेंस मैकेनिज्म को फाइनेंस करते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एंड एनर्जी सेविंग्स. बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स स्टेट्स को क्लासिफाई किया जाता है एज अ फ्रंट रनर अचीवर कंटेंडर और एस्पिरेंट्स. ओके, तो दीज आर द इंडेक्सेस. सो दिस इज द एंड ऑफ सस्टेनेबल पार्ट. आई विल स्टार्ट विद डिजास्टर मैनेजमेंट टुमारो. थैंक यू सो मच. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.